अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पार्ट टू ऑफ ग्रुप इन्फ्लुएंसेस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड व्हाट इज अ ग्रुप, व्हाट आर द रेफरेंस ग्रुप्स, व्हाट आर द क्राइटेरियाज टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। फॉर एग्जांपल, आइदर यू आर अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप और यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल टाइज, द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन अ ग्रुप, हाउ मच यू आर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स अ ग्रुप और यू आर not attracted towards another group, and then we discuss what is the consumption subcultures, then we went through a case study about groups, social networks and seeding as a strategy to increase your sales and promote your product. We also discussed concepts like brand communities, which are a type of a consumption subcultures, and how marketer can use those brand communities and subcultures, consumption subcultures, to increase the sales of their product towards a wide population and improve the customer loyalty of their product and engage their potential customers for new ideas. And then we also discussed the concept of online communities and how they are so much active in terms of social networks, and what are different types of platforms that are available for online communities, what are different types of websites, and lastly we discussed what is the nature of influence of consumer of reference group on the consumers. So there can be three types of influence. First of all, informational influence. Information influence is चीज पे बेस करता है कि जो रेफरेंस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो कितने ज्यादा आपकी नजर में, एक कंज्यूमर की नजर में, नॉलेजेबल हैं अबाउट, या कितने ज्यादा रेलिवेंट हैं अबाउट अ सर्टन प्रोडक्ट. ठीक है, तो अगर एक एक, एक शख्स ने कोई परचेज करनी है, इफ द पर्सन वांट्स टू परचेज फॉर एग्जांपल अ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, राइट, सो प्रोबेबली जो डाइटिशियंस होंगे या जो लोग फिटनेस से ज्यादा ताल्लुक रखते होंगे, वो उनसे उस चीज के बारे में उनकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो कंज्यूमर के लिए ज्यादा ऑथेंटिक होगी. ठीक है, और फिर वो किसी ब्रांड को, किसी बंदे को यूज करते देख के भी ये आइडिया लगा सकता है कि यार दिस पर्सन इज अ रनर, ठीक है, और वो ये वाले शूज यूज करता है. अब जरूरी नहीं है कि हम उस बंदे से पूछें, बट इन केस के अगर हम समझते हैं कि वो बंदा जो है उसको हम देख रहे हैं, ठीक है, और देखते हुए हमें लग रहा है कि वो ये चीज यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो भी एक इंफॉर्मेशनल रेफरेंस होगा जिसको हम फॉलो करेंगे, तो वहां से हमें एक प्रोडक्ट, ये एक एक आइडिया मिल जाएगा. सिमिलरली नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस की हमने बात की थी, ठीक है. अब नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस में ये होता है कि अगर आपको किसी की अप्रूवल या डिस अप्रूवल चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि यू वॉन्ट टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और उस ग्रुप की आपको एक अप्रूवल नहीं मिलती, अगर एक खास किस्म का अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो एक नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है. और अगर उस ग्रुप की आपको अप्रूवल मिल रही है, एक रिवॉर्ड मिल रहा है वहां से, तो फिर ये एक किस्म का भी नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि ये एक प्रेशर बेस्ड इन्फ्लुएंस है जिसमें आप किसी ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर अ डायरेक्ट रिवॉर्ड और टू अवॉइड अ सैंक्शन. और नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्गेस्ट कब होता है, जब इंडिविजुअल के किसी ग्रुप के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं, लाइक प्राइमरी ग्रुप होता है और उसके टाइज भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और प्रोडक्ट ऐसी है जो सोशली ज्यादा विजिबल है, जो सामने सबको नजर आ रही है. अब इस किस्म की प्रोडक्ट्स को एड्स में किस तरह यूज करते हैं, अभी हम आगे चल के इस चीज को डिस्कस करते हैं. और लास्ट में आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बट यू बेसिकली बिलीव ऑन द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, आपने उसको इंटरनलाइज कर दिए, तो ये किस्म का वैल्यू बेस्ड एक्सपीरियंस होता है, इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जिसको हम उस टाइम नोटिस कर रहे होते हैं कि जब हम समझते हैं कि हम उस ब्रांड को या उस प्रोडक्ट को इसलिए ट्राई करें कि वो हमारा बिलीव ये है कि वो हमारे लिए बेहतर है, ठीक है, या दूसरी किसी ब्रांड या प्रोडक्ट को हम इसलिए ना ट्राई करें कि हमारा बिलीव ये है कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है, बिकॉज हमने अपने ग्रुप मेंबर्स को ऑब्जर्व किया है और जो वो कर रहे हैं विदाउट
कंसर्निंग प्रोज एंड कॉन्स विदाउट बीइंग अंडर अ प्रेशर, ठीक है। हम उनके चूंकि चीज हमें अच्छी लगती है, वो हमारे ग्रुप के फेलोज हैं, तो हम उस हिसाब से उसको चीज को परचेज करें या ऑन द अदर हैंड ना परचेज करें। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो रेफरेंस ग्रुप की जो जितनी स्ट्रेटजीज हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं, उनको हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में किस हिसाब से, किस तरीके से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने जितनी भी डिस्कशन अबाउट रेफरेंस ग्रुप की है, फॉर अ मार्केटर दे नीड टू डिटरमिन के जो डिग्री और नेचर ऑफ द रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस है वो एग्जिस्ट कितना करता है, उसको क्रिएट कैसे किया जा सकता है और उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहां पे देखें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनल सेल्स स्ट्रेटजीज। मोस्टली जब आप कोई सेल्स प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं या कोई चीज सेल आउट कर रहे होते हैं एंड यू आर बेसिकली फेसिंग अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, ठीक है, तो हम उस ग्रुप के इन्फ्लुएंस को वहां पे भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरीके से हो सकता है, यहाँ पे एक साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए बहुत ज्यादा रिगार्डिंग के जी ग्रुप्स के किस तरीके से इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर होते हैं और लोग किस तरह कंफर्म करते हैं, किस तरीके से ग्रुप की प्रेशर के अंदर आके जो है वो कोई एक काम कर जाते हैं या अपनी कोई बिलीव्स को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किए गए, इफ यू लुक एट दिस पिक्चर बेसिकली शोज के जी ये तीन लाइंस हैं जो रेफरेंस हैं और ये ओरिजिनल लाइन है, और आपने कंपेयर करना है कि इसमें से ये जो ओरिजिनल लाइन आई है या वन है, ये इन ए बी सी में से कौन सी लाइंस में जो है वो उसके लेंथ जो है दोनों की इक्वल लग रही है बजाय। अच्छा, अब सोशल ग्रुप एक्सपेरिमेंट इस तरह परफॉर्म किया गया कि ऑलमोस्ट 8 लोग एक ग्रुप में रखे गए और उसमें से जो 7 पीपल थे वो थे जो एक्सपेरिमेंटर के अपने ट्रेन्ड पीपल थे, और 1 जो था वो था कि जो नाइव सब्जेक्ट था, यानी जिसको नहीं पता था कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। और होता ये कि वो जो पहले से लोग जिनको स्टूजिस यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो पहले से उन लोगों को ब्रीफ किया गया था कि आपने एक स्पेसिफिक लाइन जो बजाहिर उसकी नजर नहीं आ रही कि उस जितनी है, आपने उसको आंसर करना है, ठीक है। और पहले एक बंदे ने उसको, फिर दूसरे बंदे ने, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे, और अंटिल जब उसकी बारी आई जो एक इनोसेंट पार्टिसिपेंट था, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसने वही आंसर दिया जो प्रीवियसली पार्टिसिपेंट्स ने आंसर दिया था अंडर द प्रेशर ऑफ अ ग्रुप, एंड दिस इज बेसिकली नोन एज द एश फिनोमिना। ये जो एश फिनोमिना है, इसमें सोशल प्रेशर फ्रॉम मेजोरिटी ग्रुप कुड अफेक्ट अ पर्सन टू कंफॉर्म। अब आप ये सोचें कि जब वो अननोन लोगों के हम प्रेशर में आके इस तरह रिप्लाई कर रहे हैं जो बाकी सारे रिस्पोंडेंट्स कर रहे हैं, तो इसमें फ्रेंड्स का या अपने जो प्राइमरी ग्रुप है उसका एक्सपीरियंस, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो कितना ज्यादा होगा, और वहीं पे जो ब्रांड्स, क्लोथिंग, फैशन, वो चीज, वो ब्रांड जो इतने आपके लिए नेसेसिटी भी नहीं होते और वो बजाहिर सोशली नजर आते हैं, उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस ग्रुप का उसके ऊपर होता है। यही से जो सेल्स पर्सन है, दे कैन डिवाइस अ स्ट्रेटजी, ठीक है, ये फिनोमिना पर्सनल सेलिंग में भी यूज कर सकते हैं। वो इस तरह के, अगर बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स के सामने आप एक सेल्स प्रेजेंटेशन दे, ठीक है, कोई डिजाइन फॉर एग्जाम्पल आप प्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर आप अपने पार्टिसिपेंट्स को नोट करें। नाउ नोटिंग द पार्टिसिपेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यू नीड टू यू नो अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशंस ऑफ योर पार्टिसिपेंट्स। अगर वो एक्सप्रेशंस में, फॉर एग्जाम्पल, आपको नजर आ रहा है कि दे आर नोडिंग देयर हेड, या आपको एक्सप्रेशन में एक नजर आ रहा है कि थोड़ी सी आपकी बात से उनको आपकी प्रोडक्ट बेहतर लगी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पार्टिसिपेंट को से पूछें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर प्रोडक्ट। अगर वो वहां पे आपको एक पॉजिटिव फेवरेबल रिस्पॉन्स देता है, फिर आप सेकेंडली किसी और को ऑब्जर्व करें कि वो भी थोड़ा सा एग्रीबल नजर आ रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव सपोर्ट आपको दे सकता है, तो आप उस बंदे की तरफ भी तवज्जो करें। होते होते यू कैन इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूवल, और यहां तक कि आप वो लोग जो पहले डिसअप्रूवल की तरफ थे, वो भी जो शुरू शुरू के जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको सुन के देर इज अ चांस कि वो अप्रूवल की तरफ चले जाएं। तो ये वो वाली स्ट्रेटजीज होती हैं, वन ऑफ द स्ट्रेटजीज जिससे यू कैन बेसिकली यूज द ग्रुप फिनोमिना टू इंक्रीज द अप्रूवल रेट ऑफ योर प्रोडक्ट सेल,
और प्रोडक्ट अप्रूवल्स। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग में भी ये फिनोमिनास यूज किए जा सकते हैं। मार्केटर्स कैन यूज ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस व्हेन डेवलपिंग एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट आपको टीवी पे नजर आ रहे हैं, या जो एडवर्टाइजमेंट आपको बैनर्स की शक्ल में मैगजीन्स पे नजर आ रहे हैं, या वर्बल एडवर्टाइजमेंट जो रेडियोस पे चल रहे होते हैं, या बैनर्स जो आपके फेसबुक वगैरह पे या वेबसाइट्स पे चल रहे होते हैं, वहां पे आप ये तीनों एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं। मार्केटर्स अपनी जो प्रोडक्ट्स है वो ग्रुप की एक्टिविटीज के हिसाब से पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली समटाइम्स होता भी यह है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें ऑलरेडी वो एक पोजीशन हुई होती है के हिसाब से, क्यों? क्योंकि उनके बारे में एक परसेप्शन बन गई होती है। अब किस तरीके से ये तीनों इन्फ्लुएंसेस जो है वो ग्रुप के यूज किए जा सकते हैं। सबसे पहले वी टॉक अबाउट द इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस। अब वहां पे आप इस तरीके से एक मैसेजिंग कर सकते हैं कि आप किसी एक्सपर्ट को ले आए, ठीक है, जैसे डेंटिस्ट को ले आते हैं, डॉक्टर्स को ले आते हैं, टीचर्स को ले आते हैं, समटाइम्स वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, आप उससे मिलते जुलते किसी एक्सपर्ट को ले आए, और वो एक्सपर्ट आपका होगा इंफॉर्मेशन एजेंट। ठीक है, और जाहिर है उसके इंफॉर्मेशन एजेंट को हम इस उसके स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हिसाब से चूज करेंगे। ठीक है, और फिर उसके अंदर ये भी दिखाया जा सकता है कि वो एक्सपर्ट जो है वो बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में अगर बोल भी नहीं रहा, लेकिन आप बाद में ये एक लाइन लगा सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ पीपल फाइंड दिस ब्रांड टू बी द बेस्ट, और फिर आप उनको दिखा सकते हैं, जैसे रनर्स हैं, जैसे एथलीट्स हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई शूज का एडवर्टीजमेंट है तो ज्यादातर आपको पता है एथलीट्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, रनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो उन शूज को ज्यादा यूज करते हैं। इसी तरीके से कोई एडवेंचरर पीपल हैं तो वो सारा का सारा जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन देयर एक्सपर्ट ओपिनियन, हम उस तरीके से इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक जो सेंसोडाइन का एड है वो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है इसकी, कि किस तरीके से वो डेंटिस्ट को यूज करके अपनी जो टूथपेस्ट है उसको मार्केट कर रहे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में यूज कर रहे हैं। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो नाउ द ट्रेंड इज के इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाना चाहिए या जाता, बिकॉज दिस इज नॉट एथिकल, लेकिन देयर वॉज अ टाइम के नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो यूज किया जा सकता था, क्योंकि पहले इतने ज्यादा एथिक्स का ख्याल नहीं रखा जाता। अब उसमें यह है कि जैसे आप एक एड कंपेन चलाएं और उसमें आप कहें कि आपके फॉर एग्जाम्पल आपसे स्वेट की स्मेल आ रही है, लेकिन आपके दोस्त ये नहीं आपको बताएंगे बिकॉज दे केयर अबाउट यू, लेकिन एट द बैक एंड मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपके स्वेट की जो स्मेल है वो बेसिकली दैट्स नॉट गुड। ठीक है, वो आपको लोग पीछे से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके मुंह पे नहीं बता रहे, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट पर्टिकुलर स्मेल दैट्स कमिंग फ्रॉम योर बॉडी, और आप डिओड्रेंट या हमारा कोई और प्रोडक्ट जो है वो उसको यूज करें। ठीक है, या इस किस्म की जिसमें ये कि एक एड दिखाया जाए कि जिसमें आपको एक ग्रुप की मेंबरशिप नहीं मिल रही, आपको एग्जेक्टिव्स हैं वो अपने ग्रुप में आपको कबूल नहीं कर रहे बिकॉज आप उस तरह के कपड़े नहीं पहन रहे जिस तरह के वो पहनते हैं, वो ब्रांड नहीं यूज कर रहे उस पर्टिकुलर, जैसे लॉरेंसपुर के आप सूट्स नहीं लेके आ रहे, वो लोग वही पहन रहे हैं, वो जरा कीमती सूट है। तो इस किस्म के अगर एडवर्टीजमेंट्स में दिखाया जाए तो वो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस पोर्ट्रे करने वाली एग्जाम्पल है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल इसका ट्रेंड कम हो गया बिकॉज देर आर क्वेश्चन मार्क्स रेज कि ये एथिकल भी है या नहीं है। लास्ट इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन इन्फ्लुएंस। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि आइडेंटिफिकेशन इन्फ्लुएंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इंडिविजुअल्स हैज बेसिकली इंटरनलाइज द ग्रुप्स वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, तो अब इसमें आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या चीज हो सकती है, जिस तरह आप एक सक्सेसफुल मदर को दिखाएं जो बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही है। अब आप भी एक सक्सेसफुल मदर या एक फादर बनना चाहते हैं और बेसिकली आप उन उनसे अपने आप को जो जिनके बच्चे शार्प हैं, सोशली एक्टिव हैं, अपने बच्चों को भी आप वैसा दिखाना चाहते हैं, तो वो उस किस्म के आप अगर एडवर्टीजमेंट में चीज शो करें। ठीक है, या फिर आप एक ऐसी लाइफस्टाइल जो बड़ी एडवेंचरस किस्म की लाइफस्टाइल है, ठीक है, आप उसको एड्स में दिखाएं, यू वांट टू बी एडवेंचरस लाइक दैट, यू वांट टू बी हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल, तो अगर आप उससे अपने आप को उस लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं कि आई वांट टू बी एन एक्टिव
एक्टिव लाइफस्टाइल में चाहता हूँ, उसके लिए ये वाली प्रोडक्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंफॉर्मेशन से ज्यादा जो उस ग्रुप का स्टाइल है, जो लाइफस्टाइल है, आप उससे अपने आप को ज्यादा आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेटेजी जो एड्स में दिखाई जा सकती है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट। Communication within groups and opinion leaders. Now, when we are understanding about how groups are influencing the marketing strategies, we need to understand कि groups के अंदर communications कैसे होती है और कौन से वो लोग हैं जो opinion leader होते हैं और वो opinion leaders क्या होते हैं, किस वजह से बनाए जाते हैं. So we learn about new products and services and brands, as well as about shops. ठीक है, शॉप्स हम के बारे में या न्यू आउटलेट्स के बारे में या न्यू रेस्टोरेंट्स के बारे में या न्यू सर्विसेज के बारे में अक्सर उकात हम अपने फ्रेंड्स और रेफरेंस ग्रुप्स से हमें उसके बारे में पता चलता है. उसके बेसिकली दो तरीके हैं. सबसे पहले वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग और पार्टिसिपेटिंग विद देम. ठीक है, हम अगर उस ग्रुप्स का पार्ट हैं तो जो हम देखते हैं दूसरों को, तो उनको ऑब्जर्व करके और या फिर उनके साथ उस जगह पे विजिट करके हम उसके बारे में हमें पता चलता है. जो दूसरा तरीका है दैट इज कॉल्ड, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टेक्निक, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन. ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन मीन्स इंडिविजुअल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर इंडिविजुअल्स इन अ वर्बल फॉर्म विच इंक्लूड्स फेस टू फेस, ओवर द फोन और ऑन द इंटरनेट. ये जो वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एस्पेक्ट. ठीक है, और आगे चल के जब हम केस स्टडी भी ये देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इन्फ्लुएंस कर रही है. होता यह है कि कंज्यूमर्स जनरली अपने जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, एक्वेंटेसेस जो आपके हैं, उनके ओपिनियंस को जनरली रिगार्ड देती हैं, ट्रस्ट करती हैं. इवन जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन हो रही हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के जरिए कम्युनिकेशन हो रही है, उससे ज़्यादा वो उनको रिगार्ड देती हैं. नंबर वन ये. नंबर टू ये कि वहाँ पे हमें ये चीज़, हमें एक शक या एक जिसे कहती हैं इस बात का अंदेशा नहीं होता कि वो लोग ट्रू ओपिनियंस और फीलिंग्स जो हैं वो नहीं हमें बता रहे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 82% तक कंज्यूमर्स जो हैं वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस होती है. दिस इज़ बेसिकली एन एस्टिमेट विच इज डन यूजिंग रिसर्च. ठीक है, जितनी ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एक्सप्लिसिट होगी, जितनी ज़्यादा वोकल होगी, जितनी ज़्यादा वर्बल होगी, उतनी ही ज़्यादा वो इफेक्टिव होगी. रीसेंट रिसर्च ने ये भी शो किया है कि आपकी किसी चीज़ को खरीदने की जो इंटेंशन है वो बढ़ जाती है जब कोई और आपका जानने वाला बंदा जो है उसको रिकमेंड करता है. ठीक है, और वो उस प्रोडक्ट के बारे में जो आपकी अपनी लाइकनेस है, जिस लाइकनेस है उससे ज़्यादा भी इवन इफेक्टिव हो जाती है. और बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इज मोर इफेक्टिव देन जो है क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट. ठीक है, और दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो भी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के एक बहुत बड़े मोटिवेटर बन जाते हैं. जब आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उस प्रोडक्ट को अच्छा नहीं एक्सपीरियंस होता आपका, ठीक है, और वो आपका उसके साथ एक जैसे कहते हैं यूटिलिटी नहीं बन सकती वो प्रोडक्ट आपके लिए, वो आप उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंसान उसको इमोशनली अपने अंदर बिठा लेते हैं, उसकी मेमोरी, और फिर आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं उसके बारे में आई गिव अ टॉक, आई डिस्कस विद अदर्स, मैं दूसरों को बताऊँ. और डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स अक्सर ये भी करते हैं कि वो एक्सपीरियंसेस को बढ़ा चढ़ा के बयान करती हैं, दूसरों को बताती हैं. ठीक है, और ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर से एज कम्पेयर टू द सेटिस्फाइड कस्टमर, जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को कर सकते हैं. एंड दिस इज समथिंग द मार्केटर शुड बी अवेयर ऑफ.
क्योंकि वो प्रोडक्ट की ऑफकोर्स रेपुटेशन जो है वो ज़्यादा ख़राब करेंगे। यही वजह होती है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म लॉयल्टी चाहिए होती है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कस्टमर्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए आप जो फौरी तौर पे जो सेल्स की स्ट्रेटजीज होती हैं कि प्राइस लो करके चीज़ बेचती जाए पर क्वालिटी का ख्याल रखा जाए, उनको यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे एक डिससेटिस्फेक्शन जो है वो पैदा होती है। सो कस्टमर्स को हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जिससे उनके कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा खुश हों, डिलाइटेड हों, उनके एक्सपीरियंसेस बेहतर हो। जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि यू आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, यू आर बेसिकली सेलिंग एन एक्सपीरियंस। तो जो पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं कि जब मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी जो वो जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो जो भी पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो है वो करें। हियर वी विल डिस्कस अ केस स्टडी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एंड ओपिनियन लीडर्स एंड सोशल मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने एक स्ट्रेटजी बताई है, दैट इज कंज्यूमर जनरेटेड कॉन्टेक्ट, अ ब्रांड्स बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट एनिमी। आई विल रीड इट आउट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये जो कस्टमर जनरेटेड कॉन्टेंट है, कि हम कस्टमर को इन्वॉल्व कर रहे हैं अबाउट आवर प्रोडक्ट, वो किस तरीके से हमारे ब्रांड के लिए बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, बट इन सम केसेस उसमें एक नेगेटिविटी भी शामिल हो सकती है। सो वी विल डिस्कस दिस केस स्टडी और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ओपिनियन लीडर्स का कॉन्सेप्ट हमें समझ आएगा। द सोशल मीडिया रेवोल्यूशन हैज़ अलाउड यूजर्स नॉट ओनली टू फॉर्म, ज्वाइन एंड कम्युनिकेट विद ग्रुप्स। जैसे हमने ये पहले बात की कि जी सोशल मीडिया के जरिए हम वी बिकम पार्ट ऑफ सो मैनी ब्रांड ग्रुप्स एंड सो मैनी अदर ग्रुप्स जहाँ पे ब्रांड्स के बारे में डिस्कस हो रहा होता है, और एक बड़ी जैसे कहते हैं कम्युनिकेशन हो रही होती है अबाउट द ब्रांड्स। बट आल्सो टू क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट ओरिजिनल कॉन्टेंट इन वेज नॉट पॉसिबल इन द पास्ट। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्टेंट का मतलब है कि ये कस्टमर जनरेटेड कॉन्टेंट है। यहाँ पे कस्टमर का इम्पोर्टेंस जो है, या कस्टमर की जो इंटरेक्शन है वो अब ज़्यादा हो गई है, जो पहले नहीं होती थी। सिंस कस्टमर जनरेटेड कॉन्टेंट विच इज CGS इज चेंजिंग द मार्केटिंग लैंडस्केप एंड ब्रांड्स आर ज्वाइनिंग दिस ऑनलाइन कन्वर्सेशन विद कस्टमर्स, कंज्यूमर जनरेटेड कॉन्टेंट और यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट इज अ हाईली इफेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशियंट वे टू फॉर ब्रांड्स टू एंगेज विद कंज्यूमर्स, रेज अवेयरनेस एंड इंक्रीज द सेल्स। सो हेयर वी हैव अनदर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। पहले हमने सीडिंग का जिक्र किया था, यहाँ पे हम CGS या कंज्यूमर जनरेटेड कॉन्टेंट की बात कर रही है। CGS encompasses all sorts of content relating to a brand such as reviews, pictures, videos, brief comments, stories, emotional outbursts and hashtags। तो ये वो सारे तरीकेकार हैं जिससे एक कंज्यूमर किसी ब्रांड के बारे में अपने एक्सप्रेशंस का इजहार कर रहा है। न्यूमरस स्टडीज शो सेवरल एक्सट्रीमली पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ CGC। ओके, आई थिंक इट इज CGC, मैंने CGS कर दिया। वी शुड चेंज दिस टू CGC, राइट? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कंज्यूमर्स इंटरेक्ट विद CGC, रेवेन्यू इंक्रीज्ड ऑन एवरेज बाय 116% ऑन रिटेल साइट्स एंड 101% ऑन ब्रांड साइट्स। सो दिस इज अमेजिंग कि जब हम कंज्यूमर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपना कंटेंट अबाउट द ब्रांड शेयर करें, किस किस शक्ल में वो शेयर कर सकता है, लेट्स लुक अगेन, बाय यूजिंग रिव्यूज, पिक्चर्स, वीडियोस, ब्रीफ कमेंट्स, स्टोरीज एंड इमोशनल आउटबर्स्ट एंड हैशटैग्स। सो वी हैव सीन इन सम केसेस कि 116% रिटेल साइट्स पे और 101% ब्रांड्स की अपनी साइट्स पे उसके रेवेन्यू किसी भी प्रोडक्ट के इंक्रीज हुए। ये बहुत सारी स्टडीज का जो हम जब उसको एक एवरेज बनाते हैं तो वहां से हमें फिगर्स मिलती हैं। ऑल्सो, रेट एट विच कंज्यूमर्स परफॉर्म अ डिजायर्ड एक्शन ऑन द ब्रांड्स वेब पेज, एग्जाम्पल साइन अप टू रिसीव ई मेल्स नोन एज कन्वर्सेशंस, इंक्रीज ऑन एवरेज बाय 106% एंड 97% रिस्पेक्टिवली। इन अ स्टडी ऑफ फेसबुक, CGC ड्रॉप 6.9 टाइम्स द लेवल ऑफ ब्रांड एंगेजमेंट एज ब्रांड जनरेटेड कॉन्टेंट। यानी खुद जो कॉन्टेंट जनरेट किया ब्रांड ने, उसके मुकाबले में जब CGC को यूज किया गया तो 6.9 टाइम्स जो है वो ब्रांड एंगेजमेंट इंक्रीज हुई। सो दिस इज अगेन एन अमेजिंग स्ट्रेटजी एंड दिस इज ऑल्सो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसमें हमने जो कंज्यूमर्स
एक ग्रुप के कॉन्सेप्ट को यूज किया और उसके बाद हमने उसके अंदर कंज्यूमर को इन्वॉल्व किया रिगार्डिंग द ब्रांड. कंज्यूमर इन्वेस्ट द टाइम एंड एफर्ट टू क्रिएट दीज टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट यूजली आउट ऑफ अ डिजायर टू हेल्प. जिस तरह हमने कहा था जी ब्रांड कम्युनिटीज जब बनती है तो उनके अंदर एक मोटिवेशन होती है कि वो दूसरे लोगों को हेल्प करें, तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आगे चल रहा है कि कंज्यूमर्स वॉन्ट्स टू हेल्प देयर ब्रांड, दे वॉन्ट्स टू इन्फॉर्म, दे वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट, दे वॉन्ट्स टू एंटरटेन और इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन अदर कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स डेवलप एन अफिनिटी टू ब्रांड्स एसोसिएटेड विद सीजीसी. अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन हो जाती है उनकी, एक जैसे कहते हैं रिलेशनशिप कायम हो जाता है, बिकॉज दे बिलीव इट टू बी अ क्वाइट ऑथेंटिक. ऑथेंटिसिटी, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के एंड पे ये बात की थी कि ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वहीं से एक बात निकलती है कि नाउ द कंज्यूमर्स इन देमसेल्व्स आर टॉकिंग अबाउट द ब्रांड, सो दे बिलीव टू बी मोर ट्रूथफुल, मोर ऑथेंटिक. एंड ऑथेंटिसिटी इज कंसिडर्ड टू बी अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस बाय 87% ऑफ कंज्यूमर्स एंड 60% ऑफ कंज्यूमर्स परसीव सीजीसी टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक फॉर्म ऑफ ऑल कंटेंट, ठीक है, एज कम्पेयर टू 23% फॉर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट. सो जो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट का जो बहुत ज़्यादा एक यूज होता है कॉन्सेप्ट एडवर्टीजमेंट में, जिसमें वो हम अपने आप को सेलिब्रिटी के साथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उसकी इफेक्टिवनेस अपनी जगह है, लेकिन जब बात हो रही है ऑनलाइन कम्युनिटीज की, जब बात हो रही है सोशल मीडिया की, तो वहाँ पर ये देखा गया है कि सी जी सी जिसमें ब्रांड्स अपने कंज्यूमर्स को इन्वॉल्व करते हैं, उनको अलाउ करते हैं कि वो कंटेंट राइट करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, रिव्यूज़ दें, पिक्चर्स वगैरह शेयर करें, वीडियो शेयर करें, तो उसकी इफेक्टिवनेस ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा देखी गई है. अब हियर वी विल टेक सम एग्जांपल कि किस तरीके से जो सी जी सी कंपेन है उसका पॉजिटिव अफेक्ट हुआ ऑन अ सर्टन ब्रांड, ठीक है. स्टारबक्स एनुअल रेड कप सी जी सी कंपेन garnered over 40,000 posts of customer pictures of their Starbucks Red Holiday Cups in various contexts with hashtag Red Cups Contest. The contest gave consumers the chance to express their creativity and win a large Starbucks gift card. This campaign also stimulated sales because consumers first had to make a purchase to obtain a red cup for their pictures. ठीक है, क्योंकि इसमें एक चूंकि आपने एक ग्रुप में एक कॉन्टेस्ट भी शामिल कर दिया साथ, जिसे कॉम्पिटिशन के भी एक अपना पॉजिटिव इफेक्ट है. अब वो वहाँ पे सी जी सी के साथ एक कॉम्पिटिशन आ गया, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई. कंज्यूमर्स हु जनरेट कॉन्टेंट ऑनलाइन आर इन एसेंस द ओपिनियन लीडर्स, ठीक है. अभी ओपिनियन लीडर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हम इसमें अभी देखेंगे कि ये ओपिनियन लीडर्स जो हैं वो किस हिसाब से हम इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, और इस चीज़ को हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सी जी सी है ये नेगेटिव भी हो सकता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. जैसे हमने बात की कि ये जो सी जी सी का कॉन्सेप्ट है ये नेगेटिवली या बैकफायर भी कर सकता है. सो हाउ एवर नॉट एवरी सी जी सी कंपेन इज सो सक्सेसफुल. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स. मैकडोनल्ड सी जी सी कंपेन दैट इनकरेज कंज्यूमर टू यूज द हैश टैग एम सी डी स्टोरीज वॉज अ फ्लॉप. द फास्ट फूड रिटेलर हैड होप दैट दिस सी जी सी कंपेन वुड प्रोड्यूस पॉजिटिव एंड हार्ट वार्मिंग पोस्ट. Instead, many consumers use this hashtag to express dissatisfaction with the brand. For example, some selected tweets include ate McFish and vomited 1 hour later. The last time I got McDonald's was seriously 18 years ago in college, and my father used to bring us to McDonald's as a reward when we were kids. Now he's horribly obese and has diabetes. Lesson learned. सो हेयर इज आई थिंक इट कैन बी हिलेरियस एज वेल कि किस तरीके से अगर आप कोई सी जी सी कंपेन चलाते हैं और चूंकि आपने बिल्कुल आज़ादी दी हुई है कंज्यूमर्स को कि वो जो मर्जी उसके ऊपर रिव्यू करें, जो मर्जी ट्वीट करें, तो इट कैन समटाइम्स बैक फायर एंड देन यू रियली नीड टू लुक
एट व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। लेकिन जैसे हमने बात की कि चूंकि कंज्यूमर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ब्रांड में, कंज्यूमर्स अगर उसको बेहतर समझते हैं ठीक है, तो बहुत हद तक वो कंज्यूमर्स जो हैं वो आपके लिए पॉजिटिवली मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और वहीं से फिर ओपिनियन लीडर्स का कॉन्सेप्ट हमने डिराइव किया है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। एंड वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज ओपिनियन लीडर्स। मोर एंड मोर मार्केटर्स आर एम्ब्रेजिंग दीज कंज्यूमर्स कन्वर्सेशन टू हेल्प एंड होपफुली नॉट हर्ट देयर ओन ब्रांड्स। यहाँ पे एक टेबल है जो हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से मुख्तलिफ अमेरिका में एक स्टडी की गई, और मुख्तलिफ जो हैं वो रेस्टोरेंट्स, मुख्तलिफ जो आउटलेट्स हैं या मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इन्फ्लुएंस लोग किस तरह दूसरे लोगों की बात कर लेते हैं एज कम्पेयर टू एडवर्टीजमेंट। तो रेस्टोरेंट्स में 83% तक इन्फ्लुएंस देखा गया, प्लेसेस टू विजिट में 71%, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में 71%, होटल्स में 63%, हेल्थ टिप्स में 61%, मूवीज में 61%, ब्रांड्स में 60%, रिटायरमेंट प्लानिंग 58%, ऑटोमोबाइल्स 58%, क्लोथ्स 50%। ये सवाए ये क्लोथ्स के और मूवीज के, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमेनिंग तमाम चीज़ों में जो पीपल हैं एंड ऑफ कोर्स कंबाइन परचेजेस वगैरह के, जो पीपल या वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है दैट इज मोर इफेक्टिव। सो हु आर बेसिकली द ओपिनियन लीडर्स, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फर्स्ट लुक एट द ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स आर इंडिविजुअल्स हु एक्टिवली फिल्टर, इंटरप्रेट और प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड ब्रांड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू देयर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। और यहाँ फैमिली, फ्रेंड्स और कोलीग्स से अगर हट के बात की जाए तो ऑनलाइन या वो लोग जिनके साथ वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, उन सबको जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दे आर बेसिकली द ओपिनियन लीडर्स। और ओपिनियन लीडर्स के साथ जो कम्युनिकेशन होती है, बेसिकली दैट इज अ टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, वो टू स्टेप से ज़्यादा भी हो सकती है। सबसे पहले तो ये कि नॉट ऑल ओपिनियन लीडर्स, उनकी वैल्यू सेम नहीं होती, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हम समझते हैं ज़्यादा है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। अब ये टू स्टेप फ्लो ऑफ प्रोसेस ऑफ ओपिनियन लीडर्स क्या होती है, अगर आप देखें यहाँ पे कि एक तो होता है डायरेक्ट फ्लो, जिसमें कंपनी मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है, और वो मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो किसी रेलिवेंट मार्केटिंग सेगमेंट की तरफ डायरेक्टली जा रही होती है। जो ओपिनियन लीडर का फ्लो है उसमें ये होता है कि मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ओपिनियन लीडर्स उसको परसीव करते हैं और फिर वो रेलिवेंट मार्केट सेगमेंट तक पहुंचाती हैं जिनके साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, चाहे इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे फैमिली के थ्रू हो या फ्रेंड्स के थ्रू हो, और फिर वो और इन अदर इंफॉर्मेशन भी कहीं से गैदर करके लाते हैं, ठीक है। वो अदर इंफॉर्मेशन कहाँ से आ सकती हैं, फॉर इंस्टेंस वो अदर इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, ठीक है, वो उस प्रोडक्ट के किसी और उन्होंने फ्रेंड्स या फैमिलीज या और एक्सपर्ट्स ने यूज़ की होती है, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले आते हैं। जिस तरह आप अक्सर इंटरनेट पे देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ आए होते हैं, तो वो रिव्यूज़ बनाने वाले लोग भी हैं, दे आर आल्सो ओपिनियन लीडर्स, ठीक है। और ये ओपिनियन लीडर्स बेसिकली रिक्वेस्ट कर भी सकते हैं और ये फीडबैक भी लेते हैं। सो ये जो एरो जा रहा है अपवर्ड्स, दिस इज़ अ फीडबैक एरो। तो दिस फीडबैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फीडबैक लेके फिर फर्दर जो रेलिवेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं वो उसको इंफॉर्मेशन दोबारा पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें कि किस तरीके से सोशल मीडिया जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो फ्लो आप देख रही हैं मार्केट कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो देख रही हैं वो ओपिनियन लीडर में, सोशल मीडिया इज़ वेरी हेल्पफुल। अदरवाइज जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो ये सारी की सारी जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थी ये फिजिकली ज़्यादा होती थी, जब मिलना मिलाना होता था तो वो मार्केट वो जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट के जरिए या फिजिकल कन्वर्सेशन के जरिए या फोन के जरिए वो दिया करते थे। लेकिन आजकल ज़्यादातर ये जो इंफॉर्मेशन है ये थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो दी जाती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपिनियन लीडर, कोई ओपिनियन लीडर कैसे बन सकता है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ओपिनियन लीडर है, या बीइंग अ मार्केटर हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट विच पर्सन इज अर ओपिनियन लीडर। सबसे पहले तो ये कि उस बंदे की किसी भी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट के साथ
एक लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। और वो लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट बेसिकली उस प्रोडक्ट के बारे में उसके नॉलेज को एनहांस करता है, उसके एक्सपीरियंसेस को इंक्रीज करता है, और वो फिर उसका एक एक्सपर्ट बन जाता है उस पर बेसिकली उस प्रोडक्ट की, या वो कोई प्रोडक्ट कैटेगरी है या प्रोडक्ट एक्टिविटी है या व्हाट सो एवर इज रिलेटेड विद, और वही जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो उसको ओपिनियन लीडर बनाता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज अ नॉन ओपिनियन लीडर, ऑफ ऑब्वियसली वो उसको इतना इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा, ओपिनियन लीडर को पता होगा। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ओपिनियन लीडर्स जो हैं वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के या किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के ही होते हैं, जनरल जो हैं वो नहीं इतने ज़्यादा होते। उसके बाद ओपिनियन लीडर जो है बेसिकली फंक्शन करता है, यानी वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये एक्टिविटीज़ जो हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली परफॉर्म होती हैं उन इंडिविजुअल्स के साथ जिनकी डेमोग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली सिमिलर होती हैं, ठीक है। इसीलिए ओपिनियन लीडर्स जो हैं वो अक्सर बहुत सारे डेमोग्राफिक सेगमेंट्स में ना वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं जिनके साथ वो ज़्यादा अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे यंगस्टर्स होते हैं, जैसे ओल्ड पीपल होते हैं, जैसे स्टेटस वाइज पीपल डिफरेंट होते हैं। तो उनकी जो डेमोग्राफिक्स करेक्टरिस्टिक्स हैं ज़्यादातर देखा गया है कि वो उन लोगों के साथ सिमिलर होती हैं जिनको वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तीसरा ये कि दे आर मोर ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का मतलब होता है दे आर मोर आउट गोइंग, मोर एक्सट्रोवर्ड, मोर वर्बली एक्सप्रेसिव, ठीक है। और वो बहुत, उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो बहुत डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। और वो उस डिटेल में बात करने ही उनका जो एक हुनर है, वो जो एक बयान करते हैं, वो जो एक स्पीच करते हैं, जो वो जो वर्बली अपने ओपिनियंस देते हैं, ठीक है, उनके अंदर वो वाली जो करेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है ताकि वो इन्फॉर्मेशन दूसरों को प्रोवाइड कर सके। तीसरा ये कि उनका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन ओपिनियन लीडर्स। वो रेलिवेंट मीडिया को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था कि वो ये चीज़ ज़्यादा उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरों से इन्फॉर्मेशन लेके, डिस्कशन करके, अक्सर वो एक्सपर्ट इस वजह से भी बन जाते हैं कि वो लोग जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, या वो दूसरे एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं, या वो इतना एक्सपोजर नहीं होता उनके प्रोडक्ट के बारे में, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वो क्या सिचुएशंस होती हैं जिनमें वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और ओपिनियन लीडरशिप होती है, जिसके मतलब क्या वजह बनती है कि ये हो? सबसे पहली तो वजह ये होती है कि जब एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल से किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सीख करे, उसकी एक्सपर्ट राय लेने की कोशिश करे, ठीक है, एक तो ये वजह होती है। और दूसरी वजह ये होती है कि जब एक इंडिविजुअल खुद से वॉलेंटियर करे कि मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और ज़्यादातर ये वाला जो स्कोप है आजकल चल रहा है, जिस तरीके से व्लॉग्स बने हुए हैं या फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं एक्सपर्ट, जिसके अंदर लोग बैठ के प्रोडक्ट के बारे में इन रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये इनडायरेक्टली भी हो सकता है, जिसमें आप ऑब्जर्व करें किसी ग्रुप में किसी एक्सपर्ट को कोई चीज़ खरीदते हुए, ठीक है, और फिर आप उससे एक ओपिनियन जो है वो अपना बना लें। अब जैसे इमेजिन करें कि आपको ऐसी चीज़ खरीदना चाहती हैं जिससे आप इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं, और वो चीज़ प्रॉबेबली आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो एक तो फेमिलियरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और एक इम्पॉर्टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इम्पॉर्टेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर आपको ऐसी चीज़ खरीदना चाह रही हैं जैसे कोई साउंड सिस्टम है, या कोई बाइसाइकिल है, या कोई मोटरसाइकिल है, या कोई मोबाइल है, समथिंग लाइक दैट, तो आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि आपने इसके बारे में कि आपने ये कौन सी चीज़ खरीदनी है? दिस डिसीजन बेसिकली, अब चांसेस ये हैं इसके कि आप दूसरों से पूछें, ठीक है, किसी ऐसे बंदे से पूछें कि जो आप समझते हैं मोर नॉलेजेबल अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब वो बंदा मोस्ट प्रोबेबली एक ओपिनियन लीडर होगा, और जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो परचेजेस, जो हाई इन्वॉल्वमेंट परचेजेस होती हैं जिसमें लिमिटेड नॉलेज होता है और प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो उस किस्म में ज़्यादा चांस है कि आप ओपिनियन लीडर्स की राय लें, जिस तरह ये वाली फिगर आपको दिखा रही है। व्हाट इज़ द लाइकलीहुड दैट यू सीक एन ओपिनियन लीडर्स ओपिनियन, ठीक है। उसमें अगर प्रोडक्ट की परचेज इम्पॉर्टेंट है, हाई इन्वॉल्वमेंट है, आपका नॉलेज भी ज़्यादा है, देन देर इज़ अ वेरी मॉडरेट लाइकलीहुड, लो भी नहीं लेकिन मॉडरेट, क्योंकि हो सकता है कि बावजूद इसके कि आप एक्सपर्ट हैं आप फिर भी दूसरे की राय
जरूर लें, तो अक्सर आप रिव्यूज वगैरह पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, लोगों से पूछ लेते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट या परचेज इन्वॉल्वमेंट लो है, प्रोडक्ट इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो फिर ओपिनियन लीडर के हो सकता है आप राय ना लें, तो फिर लाइकलीहुड जो है वो बहुत कम हो जाएगी कि आप उस ओपिनियन लीडर से कोई मशवरा लें। अगर प्रोडक्ट का आपका नॉलेज लो है लेकिन आप प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मोबाइल फ़ोन, ठीक है, हम इसमें अगर मोबाइल की एग्जांपल, सिर्फ इस वजह से मोबाइल की एग्जांपल दे रहे हैं कि आपका अगर नॉलेज लो है तो फिर हाई लाइकलीहुड है दैट यू सीक एक्सपर्ट ओपिनियन, ओपिनियन लीडरशिप की इसमें राय लें। और अगर नॉलेज भी लो है और प्रोडक्ट भी नहीं लो है, तो अगेन मॉडरेट लाइकलीहुड है कि आप किसी एक्सपर्ट की राय लें। सो हेयर वी विल एंड पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर ग्रुप इन कंज्यूमर बिहेवियर, एंड देन वी विल रिज्यूम विद अवर पार्ट 4, जिसके अंदर हम फर्दर कॉन्सेप्ट लाइक मार्केट मेवेंस, लाइक इनोवेशंस और इस किस्म के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।